रेट में कोई हाँ दे दे तुम्हारे को बता देना जी। अच्छा जी 70-65 हज़ार रुपए की दे रहा हूँ जी, अपनी तसल्ली कर ले, दो टाइम आके हैं तसल्ली करके ले जाए। पहले कटिया दो दांत है जी, ठंडी और चुवाई दार पा, उसका ऐसा लगा जैसे 2 लाख वाली फेल है इसके सामने जी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इस जोटी की लाइव मिल्किंग वीडियो लेकर आया हूं, तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आज की वीडियो हमारी चौधरी डेयरी फार्म जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान से है जी। तो सभी पशुपालक भाइयों को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो इस जोटी की पूरी डिटेल लेंगे भाई साहब से। तो राम राम प्रदीप भाई। राम राम भाई, संदीप भाई राम राम। तो प्रदीप भाई अपना यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 94-602-66-528। तो ये नंबर व्यूवर्स आपको स्क्रीन पर भी मेंशन होंगे, तो भाई साहब एड्रेस पूरा कंफर्म बताना जी। एड्रेस है जी श्री गंगानगर, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान जी। और स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर अपना फार्म है चौधरी फार्म। और ये चौक कौन सा है जी? ये चौक है जी कोका कोला फैक्ट्री मोहनपुरा रोड। कोका कोला फैक्ट्री है, मोहनपुरा रोड है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से 1.5 से 2 किलोमीटर है। बाकी कोई भी भाई इनके डेयरी फार्म पर विजिट करना चाहे तो लगभग 20 भैंसों के समथिंग इनकी डेयरी फार्म पर सेल के लिए अवेलेबल मिलेगी। कोई भी भाई का मर्जी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों जोटी का पसमाव आपको दिखाता हूं, बिल्कुल टाइट पसमाव, जिस हिसाब की जोटी है उस हिसाब से इसकी थनों की बनावट है वो बहुत ही शानदार है। तो ये खाली बाल्टी दिख रहा। तो ये दोस्तों खाली बाल्टी देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाना भाई साहब। और इसके बाद में चारों थनों का पसमाव देख सकते हैं और थनों के बीच में गैप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, मुट्ठी वाला अंचल है। और सबसे पहले आगे वाले दोनों थनों की धार मारकर दिखाई जा रही है, बिल्कुल गोल मोटी नरम धार है, कोई भूर छिटा नहीं है। पिछलों की ओर मार दो भाई साहब, पिछले थनों। और ये पीछे वाले दोनों थनों की भी धार देख सकते हैं, ये भी गोल मोटी नरम धार है, कोई भूर छिटा नहीं है। देख सकते हैं काफी साफ सुथरी एडर क्वालिटी की जोटी है। बाकी नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो 7 सितंबर गुरुवार का दिन है, सुबह सुबह मॉर्निंग में लगभग 7 बजे के समथिंग टाइम है दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं 7 सितंबर। और भाई साहब कौन से ब्यांत के अंदर है जी? पहले ब्यांत में संदीप जी। फर्स्ट टाइमर की जोटी है, तो फर्स्ट टाइमर दोस्तों मुर्रा ब्रीड के अंदर जोटी है, देख सकते हैं ब्रीड करेक्टर जोटी के, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की है और बिल्कुल शांत स्वभाव में है। दूध निकालने में देख सकते हैं आप भाइयों सामने, कोई चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं है। तो कितने दिन की ब्याई हो चुकी है भाई साहब? ये संदीप जी ब्याई 15-20 दिन के बीच में, 15-20 दिन की ब्याई है, यानी कि रेडी मिल्क पर है। पूरा रेडी रेट मिलक है। तो दोस्तों 15-20 दिन की ब्याई हुई है, पूरे तैयार दूध के ऊपर है, बिल्कुल ब्रीक पतली चमड़ी की जोटी है, बिल्कुल छोटे गोल रिंग सींग की है, दो ही दांत है, तो मुंह से भी दो दांत जोटी है दोस्तों। और पूरा कंप्लीट मिलक आपको निकाल के दिखाएंगे, दूध निकाल के दिखाएंगे। तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें, जिससे आप दार पाउंस की यानी कि हर एक चीज आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले गाड़ी का दूध निकल रहा है, गाड़ी का दूध आपको अलग से निकाल कर दिखा रहे हैं भाई साहब। लगभग फर्स्ट टाइमर जोटी, दो दांत की, मीडियम हाइट लेंथ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आशा करते हैं भाई साहब से प्राइस भी उस हिसाब से बिल्कुल रिजनेबली प्राइस डिमांड करेंगे। तो गाड़ी का दूध दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है, दूध दिखा दो भाई साहब।
यह गाड़ी का दूध 2 किलो का होगा बस, आराम से 2 किलो, 2 किलो है तो 2 किलो के आसपास गाड़ी है दोस्तों, 2 किलो से लगभग है। और बाकी अंत में आपको दूध नाप कर भी दिखाएंगे, जिससे आप मतलब आपको पता चल सके कि अभी दूध रेडी रेट कितना है इसके। तो भाई साहब 15-20 दिन की आपने बताई फर्स्ट टाइमर जोटी, और जैसे अपनी डेयरी फार्म पर अभी कितनी भैंसे हैं जी? 20 भैंस है, 18-20 भैंसे हैं। तो 18-20 भैंसे जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कितनी की भैंस इनके डेयरी फार्म पर एनी टाइम सेल के लिए अवेलेबल मिलती है। बाकी कोई भी भाई इनकी डेयरी फार्म पर विजिट करते हैं तो जैसे इनके पास भैंसे नहीं पसंद आती तो बार फील्ड में भी भाई साहब भैंस दिलवा देंगे, बार फील्ड में भी भाई घुमाने का मतलब दिलाने का काम है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर कई बार आता है, हर कस्टमर की दिमाग सोच अलग रहती है, किसी कस्टमर को किस टाइप की भैंस लेनी होती है और कोई कस्टमर को यानी कि हर कस्टमर की चॉइस अलग रहती है। उस हिसाब से जैसे इनकी डेयरी फार्म पर भैंस नहीं पसंद आती तो बार फील्ड में भी भाई साहब घुमा फिरा कर भैंस दिला देंगे। तो भाई साहब बाहर से दिलवाने का चार्ज 1000 रुपये चार्ज लेते हैं संदीप, 1000 रुपये 1000 रुपये ब्रोकरी चार्ज रहेगा पर पशु का। और रहने सहने की व्यवस्था फुल सुविधा जी, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है संदीप जी, रहने सहने का खाने पीने का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है जी। अपने पास के बाइक पे जाएगा तो बाइक पे, मोटरसाइकिल पे जाएगा मोटरसाइकिल पे जी, बाइक अपने अगला तेल डलाओ और घूमो, यानी कि साधन आप प्रोवाइड करवा दोगे, तेल अगले का जलेगा, मतलब अन्य जो खर्चा है रहने सहने का खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है, उसके अलावा कोई भी खर्चा है वो कस्टमर का रहेगा, क्योंकि वीडियो में अपने क्लियर कट बात बताई होती है तो जो कस्टमर आना चाहते हैं तो उनको परेशानी नहीं होती, सही है ना? तो जैसे बाहर से भी दिलवा जो भैंस लेंगे कस्टमर उसकी संतुष्टि पूरी करवाई जाएगी। कई भाई जाते हैं कहते तेल में तेल, कार में तेल ज्यादा डलता है तो बाइक ले चलो संदीप जी, अपने बाइक पे चल सकते हैं जी जी, वो जैसे कस्टमर की संतुष्टि होने की। तो भाई साहब आपके आइडिया से अभी इसके दूध कितना रेडी रेट? संदीप जी इसके 12 और 13 के बीच में होगा आराम से जी, 12 किलो 12 से ऊपर है जी, 12 किलो दोस्तों 6 लीटर एक टाइम का दूध है यानी कि। तो 6 लीटर एक टाइम का दूध इस जोटी के नीचे बिल्कुल तैयार है दोस्तों, 2 दांत की फर्स्ट टाइमर जोटी है, जो भाई घर पर पालने का इच्छुक है उनके लिए काफ़ी शानदार रहेगी। और भाई साहब प्राइस क्या डिमांड करोगे जी? 65000 रुपये की पहुँच दे देंगे, देखी जाएगी मंदी मिली है तो मंदी दे देंगे, मात्र 65000 रुपये की 500 किलोमीटर तो मात्र 65000 रुपये में दोस्तों बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, यानी कि जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं तो आज उनके लिए एक शानदार डील रहने वाली है। 2 दांत फर्स्ट टाइमर जोटी मात्र 65000 रुपये में घर पहुंच, 12 लीटर दूध रेडी रेट है, दूध भी आपको अंत में नाप कर दिखाऊंगा। बाकी जो भी भाई लेता है तो खुद यहाँ पर या तो खुद उपस्थित होकर या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से मिल्किंग चेक कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल साफ सुथरी वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी भाई ले अपनी संतुष्टि के लिए अंत में आपको दूध नाप कर दिखाऊंगा। 500 किलोमीटर दायरे के अंदर भाई साहब 500 किलोमीटर है ना, 500 किलोमीटर यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी राजस्थान के 500 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 2 लाख रुपए वाली भैंसी फेल है, कोई भी भाई लेता है तो 65000 रुपए में घर पहुंच करा दी जाएगी, बच्चे को भी आराम से। अच्छा जी, तो दूध दोस्तों निकल चुका है, दूध आपको नाप कर काउंटिंग करके दिखाऊंगा। और भाई साहब बता रहे हैं कि जैसे 1 लीटर बच्चे के लिए भी दूध छोड़ा है, दिखा दो वीडियो के अंदर, दिखा दो, दिखाओ पास में ले संदीप जी, बाल्टी ले चलो फिर उधर और ले चलो भाई, वो छोड़ो यार बच्चे को छोड़ो, आप दूध दूध नाप कर दिखाओ, वो तो कोई बात नहीं वो तो दूध पी रहा है, अपने आप पता चल जाएगा, 1 किलो से ऊपर ऊपर दूध होगा, यहीं रख लो बस खाली बाल्टी। तो दोस्तों 1 लीटर भाई साहब ने बताया जैसे दूध बच्चे के लिए भी छोटा है, बाकी आपके सामने है जो एक थन बच्चे ने पकड़ा हुआ है वो तभी से पी रहा है कि यानी कि उस थने में दूध है तभी वो बच्चा पी रहा है, नहीं तो थन छोड़ देता आपके सामने। बाकी दूसरी खाली बाल्टी देख सकते हैं और जी जी, और दूध आपको उल्ट पुलट कर कर जाके मात्रा कम की जा रही है, उसके बाद में दूध आपको नाप कर काउंटिंग करके दिखाऊंगा। अगर सारा दूध निकाल दे तो 6 किलो से ऊपर ऊपर होता है, 6.5 भी हो जाता है। अच्छा जी, ये आपने बच्चे के समेत बताया क्या? बच्चे के समेत बताया संदीप जी। अच्छा अच्छा, बच्चा तो पिएगा 1 किलो दूध जी जी। तो दोस्तों 1 लीटर का नाप है जिससे आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 जी,
पाँच, ये 5 लीटर दोस्तों दूध बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये थोड़ा सुपर है, ये जाग मान सकते हैं। बाकी 5 लीटर ठंडा दूध है, यानी कि 5 लीटर ठंडा दूध है, 1 लीटर बच्चे के लिए भी दूध छोड़ा गया है दोस्तों। तो भाई साहब आप एक बार फिर से इसकी पूरी डिटेल शेयर कर दो जी, कौन से ब्यात में है, इसी रेट में कोई हाँ दे दे तुम्हारे को बता देना जी। अच्छा जी, 65,000 रुपए की दे रहा हूँ जी, अपनी तसल्ली कर ले, दो टाइम आके हैं तसल्ली करके ले जाए, पहले कटिया दो दांत है जी, ठंडी और चुवाई दारपा, उसका ऐसा लगा जैसे 2 लाख वाली फेल है इसके सामने जी। अच्छा जी, ठंड चढ़ की अगले अगले लॉटरी है जी, लॉटरी।